दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। अब लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे, पटना आएंगे, लेकिन जमानत देने से पहले झारखंड हाईकोर्ट ने शर्त भी रखी है। लालू प्रसाद यादव को बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया है। लालू प्रसाद यादव के सामने क्या क्या शर्त रखी है झारखंड हाईकोर्ट ने, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पूर्व आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चार मामलों में सजायाफ्ता थे। तीन मामलों में पहले ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई थी, लेकिन आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बढ़ती हुई दिख रही थी। अब लालू प्रसाद यादव जमानत ले चुके हैं, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दिया है। लेकिन जब जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तब झारखंड हाईकोर्ट ने कई शर्त भी रखे। ऐसे में सबसे पहला शर्त, लालू प्रसाद यादव को बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया और लालू प्रसाद यादव को 1,00,000 रुपए बेल के लिए भरने पड़ेंगे। यानी कि जमानत से पूर्व लालू प्रसाद यादव को 1,00,000 रुपए कोर्ट में बॉन्डिंग के तहत रखना होगा, जमा करना होगा, ताकि कोर्ट विश्वास कर सके लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले के सजायाफ्ता हैं। दूसरी बड़ी शर्त, जो पता आपने लिखवाया है, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने जो पता लिखवाया है कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट में, उस पते पर ही आप रहेंगे। यानी कि साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा जब ढूंढने जाएं तब हमें कहीं और भटकना नहीं पड़े, आपने जो पता लिखा है आप उसी पते पर रहेंगे। तीसरी बड़ी चीज कि जो मोबाइल नंबर आपने अंकित कराए हैं जमानत लेने के वक्त, वो नंबर नहीं बदलना चाहिए। यानी कि आप सीधे तौर पे कोर्ट के नेतृत्व में रहेंगे, यानी कि कोर्ट जब भी चाहेगा आपको बुला लेगा, कोर्ट को जब भी जरूरत पड़ेगी तब आपको ढूंढ सके और आपने जो जानकारियां कोर्ट में दी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा है कि आपने जो पता, आपने जो मोबाइल नंबर, आपने जिस बंगले का एड्रेस दिया है आप वहीं पे रहेंगे। और जो दूसरी बड़ी चीज है, देखिए अब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है तो एक शर्त और भी है जो बड़ा शर्त है। लालू प्रसाद यादव अब विदेश नहीं जा सकते हैं बिना कोर्ट के आदेश के। कोर्ट के आदेश के से ही वो देश के बाहर यानी कि दूसरे देश में जा सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है लालू प्रसाद यादव को कि अगर आपको जमानत लेना है तो आपको एक शर्त रखनी पड़ेगी कि आप देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, और इस बात को भी स्वीकार कर लिया है लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने। और अब लालू प्रसाद यादव को इन्हीं शर्तों पर जमानत मिल गई है, यानी कि 1,00,000 रुपए का बॉन्ड है लालू प्रसाद यादव पर। और दूसरी बड़ी चीज की ना तो अपना पता बदल सकते हैं और ना ही अपना मोबाइल नंबर, और जिस बंगले में रह रहे हैं जिसका पता उन्होंने लिखाया है कोर्ट को, कोर्ट ने कहा है कि हम चाहे तो आपको बुला सकते हैं और उसी पते से आप आ जाएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दे दी है झारखंड हाईकोर्ट में। हालांकि लालू प्रसाद यादव लगातार बीमार चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी ठीक नहीं है, संक्रमण का काल है, और ऐसे में जो फिलहाल लालू प्रसाद यादव एम्स में एडमिट है, क्या वो एम्स से पटना आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब खुशी है, जश्न है, लालू प्रसाद यादव के जश्न की तैयारियां शुरू हो रही है उनके जमानत को लेकर। अब बिहार में भी तैयारियां शुरू हो रही है और ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा कब लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।